हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी हाँ, तो आज हम जॉब से रिलेटेड टॉपिक लेकर आ गए हैं। जो कैंडिडेट प्लस टू पास है उनके लिए ये वैकेंसी है और 40 साल के पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह की पोस्ट है, कहाँ निकले हैं, नंबर ऑफ पोस्टिस कहाँ हैं और फीस क्या रहेगी, नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, अप्लाई का लिंक कहाँ मिलेगा, वेबसाइट क्या है, एवरीथिंग। तो वन बाय वन डिटेल डिस्कस करते हैं और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार MP गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है स्टाफ नर्स महिला मल्टीटास्किंग के तौर पर, ANN और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र में अधिकारियों की वैकेंसी निकाली है 4,792 पदों पर। और इसमें 12वीं तक के कर्मचारी पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल मेल आईडी है esb.mp.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट है 29 मार्च। 29 मार्च लास्ट डेट रहेगी। ढाई मंथ यानी कि 16 जून को रिटर्न टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट क्वालिफाइड होने के बाद मेरिट के आधार पर पोस्टिंग की जाएगी। वैकेंसी ये आप देख सकते हैं, टोटल 4,792 है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जिस भी डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हो या अप्लाई करना चाहते हो। एजुकेशन 12वीं पास मांगी है। सैलरी 19,000 से लेके या 20,000 से लेके 94,000 तक सैलरी है, 93,000 से 94,000 तक। एज 18 से 40 साल तक वैलिड है, लेकिन अदर कैटेगरी के लिए आयु सीमा में छूट है। वो नोटिफिकेशन में PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ आप डिटेल से देख सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 500 रुपये, अगर आप अदर कैटेगरी से हो राज्य के तो 250-250 रुपये। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो पहले आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा mp.gov.in पर। वहाँ पर रिक्रूटमेंट और करियर का सेक्शन या डिपार्टमेंट मिलेगा, कॉलम मिलेगा। वहाँ जाकर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रीड आउट करनी है। फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, फ़ोटो या डॉक्यूमेंट अपलोड मांगे जाते हैं, वो आपको सबमिट करने हैं। फीस पे करनी है। फीस के बाद अगर कोई गलती हो जाती तो उसे आप सुधार भी सकते हो। और फाइनल होने के बाद आपने सबमिट कर देना। तो अब हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन, 83 पेज का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा दिया हुआ, फीस वगैरह दिया गया है, एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है, लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट 29 है, लेकिन एडिट करने के लिए 3 अप्रैल। ये है, अब अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है लॉगिन का है। अगर आपको यूज़र आईडी जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है यहाँ पे डाल के, और रजिस्ट्रेशन नंबर सॉरी आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है या रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो इस पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए ये आएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करना है तो, नहीं किया तो आपने करना है, अगर ना तो आपने नहीं करना है, और तभी आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। ये देखिए, नहीं करोगे तो आगे आपसे पर्सनल डिटेल पूछेगा। अगर आपने कहा देखिए एडिट करना है तो उसके नीचे एडिट का ऑप्शन था, उसे आप क्लिक कर सकते हो। तो ये थे कुछ डिटेल, होप सो आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव रहे। अगर और आपको इसकी वेबसाइट भी दिखा देते, ये है वेबसाइट। तो
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हो। वीडियो का नोटिफिकेशन एप्लीकेशन लिंक और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।